बुलंदशहर में टीकाकरण के बाद आधा दर्जन से अधिक छात्राओं की हालत बिगड़ गई। पेट और सिर दर्द की शिकायत पर छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीकाकरण के फौरन बाद आधा दर्जन से अधिक छात्राओं की हालत बिगड़ गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से छात्राओं को बीमारी से बचाव के लिए ये टीकाकरण किया गया था। हालत बिगड़ने पर निजी वाहनों से छात्राओं को अस्पताल लाया गया। क्या हुआ था बच्चों का? बच्चों को जी स्कूल में बुलाने के बाद उनको वैक्सीन लगाई गई थी, जिससे कि शायद 36 लड़कों को लगा था, 36 में से 7 ये भी थे, जो पूरा एक डोज था उनमें से 7 बंदों को 7 को दिया गया था। तो 7ों में से जितने भी 7ों की 7ों एकदम तबीयत खराब हो गई, सर में दर्द और पेट में दर्द अचानक से, वो वहाँ पर डकराने लगे बहुत ज़्यादा ही, मतलब तबीयत खराब हो गई। तो ये टीचर लोग खुद ही जाके जाके अस्पताल में कभी जहांगीरपुर कभी माचट ले जाने लगे, और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन तभी भी नहीं थी इन्होंने, ना तो स्कूल वालों ने ना इन्होंने स्वास्थ्य विभाग वालों ने। फिर इसके बाद सब ठीक हो गया, घर पे आ गए। घर पे आने के बाद फिर अचानक दोबारा इनकी तबीयत खराब हुई सेम कंडीशन में। फिर दोबारा मैं लेके गया अपनी भांजी को खुर्जा जटे अस्पताल में। जटे के बाद पूरी रात लगभग 2 बजे तक अस्पताल में भर्ती रही है। उसके बाद फिर सुबह बुलाया गया, फिर स्वास्थ्य विभाग वाले आए स्कूल में। स्कूल में आने के बावजूद फिर उन्होंने उनके सामने फिर दोबारा ही तबीयत खराब होने लगी इनकी। फिर तबीयत खराब होने के बाद इन्होंने फिर माचर के लिए रेफर किया। अब क्या बच्चे बीमार हैं यहाँ पे? अब तक यहाँ पे फिलहाल 4 हैं, 3 नॉर्मल हैं। अच्छा।